वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने प्लूमेरिया की कटिंग को किस तरह से लगाएं। उस प्लांट प्लूमेरिया के प्लांट की मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं। अगर हम अपने प्लांट की सॉइल अच्छे से बनाते हैं, फर्टिलाइज़र अच्छे से करते हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये मेरे हिबिस्कस का प्लांट देखिए, ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये साइड में हमारा ये टिकोमा भी है, ये देखिए कितने अच्छे से ये। और ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट है। और ये देखिए, एक प्लांट से मैंने दो प्लांट तैयार कर लिए हैं और मैंने इन्हें अलग से लगा दिया, तो ये काफ़ी अच्छे से इस तरह ये लग गए हैं। और इनका ये लुक देखिए, पर्पल के साथ तो ये ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मैंने लगाया है। ये हमारा कोलियस है, ये मेन प्लांट है। इससे मैंने इस प्लांट को अलग करके लगाया था और इसकी भी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी चल रही है इस समय। ये देखिए, ये हमारे हिबिस्कस का प्लांट है और इसका ही ट्रीटमेंट मैंने किया था और इसको ही हमने सूखने से बचाया था। तो ये इस समय देखिए मेरा प्लांट काफ़ी ग्रीनिश हेल्दी हो गए हैं, इसमें काफ़ी ढेर सारी पत्तियाँ आ गई हैं। आज हम अपने इस प्लूमेरिया के प्लांट की कटिंग को हम रिपोर्ट करने वाले हैं। और ये प्लांट ये देखिए मेरा, इसमें ये तीन ब्रांच है और इसे मैंने कटिंग के द्वारा लगाया है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, ये इसमें ये पत्तियां निकल रही हैं। और ये देखिए, ये मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी है। तो इस सीज़न में अब हमारी कटिंग तो अच्छे से चल गई, तो लेकिन मैंने इसे देखिए इतने छोटे से पॉट में ये लगाया हुआ है, तो इसे मैं एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स तैयार करके इस प्लांट को मैं अपने एक अच्छे से पॉट में लगाने वाली हूँ, ताकि इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाए और इसकी भी फ्लावरिंग हमें मिल जाए। इसकी कटिंग हमने फरवरी में हमने लगाई थी और उसके बाद का ये रिज़ल्ट है। और ये मेरे प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी चाहिए प्लूमेरिया के लिए, तो चलिए हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे गार्डन की मिट्टी है। आप इसे 40% रख लीजिए। और ये हमने थोड़ी सी दो तीन मुट्ठी रिवर्स एंडपिला रखी है। और हमारे पास है ये किचन कंपोस्ट, ये देखिए एकदम अच्छी तरह से कंपोस्ट हो चुकी है। और आप ये देखेंगे, इसमें ये थोड़े बहुत कुछ पार्ट रह गए हैं और ये हमारे किचन की है, तो इस कंपोस्ट को हम यूज़ करेंगे। और ये है हमारे पुराने गोबर की खाद है, इसमें राइस हस्क मिला हुआ है और थोड़ा सा हम इसमें मॉइस्ट बनाने के लिए कोकोपीट डालेंगे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, इस बहुत से लोगों के पास नहीं होता है, तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, तो पत्तों की सूखी पत्तों की जो कंपोस्ट होती है वो ले सकते हैं आप। और लकड़ी का जो भुरादा होता है उसे भी आप कोकोपीट की जगह यूज कर सकते हैं मिक्स करने में। और ये इस तरह से कोकोपीट का एक ये अच्छा विकल्प है। और नहीं रहेगा आपके पास कोकोपीट तो कोई बात नहीं, और नॉर्मल आपके गार्डन की मिट्टी, थोड़ा सा रिवर्स सेंट और गोबर की खाद या कंपोस्ट, जो भी सड़ी गली जो मिट्टी होती है खाद बनी हुई, वो आप ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो ये हमारी मिट्टी हो गई। इसके अंदर हम थोड़ा सा फंगीसाइड डालेंगे, बहुत लोगों के पास फंगीसाइड भी नहीं मिलता है, तो आप एक चम्मच हल्दी मिला लीजिए अपने, या हल्दी की जगह थोड़ी सी आपको लकड़ी की राख मिल जाए उसे भी आप एक मुट्ठी लकड़ी की राख मिला लीजिए। उसके बाद बोन मिल और नीम खली इसको ऐड कर लेंगे। आपके पास है तो आप डाल दीजिए, आपके पास नहीं आया है तो सिर्फ गोबर की खाद ही हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी और बालू मिला के आप अपने प्लांट को लगा दीजिए, फिर भी आपका पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ आपके प्लांट अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी मिट्टी में पानी का होल्डिंग थोड़ा बहुत रहे, उसके बाद सारा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, बिल्कुल भी पानी का ठहराव आपके मिट्टी में ना हो। तो ये हो गई हमारी मिट्टी तैयार। उसके बाद हमें जो भी गमला लें उसके अंदर देखिए ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, उसके आप ऊपर आप कुछ भी रख दीजिए। तो हमने ये दिए के लिए रख दी है दिए को, और इस गमले को हम हमारे गार्डन में जो भी हम सफाई करते हैं तो जो नीचे बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रहता है, उसकी मिट्टी, प्लांट्स के पत्तों की जो भी सामान होता है, तो ये हम नीचे इसके डाल देंगे, नीचे हमारे गमले को फिल कर देगा और ये धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएगा। ये सब देखिए, ये प्लांट के सूखे पत्ते हैं,
बरसात में इस तरह से आप अपने गमले को एक भाग इस तरह से भर दीजिए। अब हम अपनी मिट्टी को गमले में भर देंगे। कोई भी प्लांट अगर गमले में लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, तो आपको उसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा, उसके अंदर 3-4 होल बना लीजिए ताकि पानी आराम से निकल जाया करे। ये हमने मिट्टी भर ली। अब इस पॉट में से हम अपने प्लांट को धीरे धीरे निकालेंगे। और मेरा प्लांट देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके मैं अपने प्लांट को निकाल दूंगी। और ये देखिए हमने अपने प्लांट को सेफ इस तरह से निकाल लिया है। और ये इसके रूट्स देख सकते हैं आप, इसमें कितनी ढेर सारी ये इसकी रूट्स हैं। और नीचे आप ये देखिए, इसके नीचे ये राइस हस्क है। तो इस तरह से इस पॉट में नीचे राइस हस्क थी, ऊपर मिट्टी थी और इसकी कटिंग हमने लगा दी थी। अब इस तरह हम इसे गमले में रख देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर मिट्टी भर देंगे अपनी, थोड़ा सा और ऊपर प्लांट को नीचे और मिट्टी भर देते हैं। इस तरह से सेट करके हम अपने प्लांट की सारी मिट्टी को भर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से हम पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हम अपने प्लांट को 1-2 दिन छायादार जगह पर रख देंगे और फिर इसकी ग्रोथ हम देखेंगे। इसकी अपडेट जो होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काम कर लेंगे और इसमें अब हम पानी दे देंगे। अब इसे हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है तो हम यहीं पे इसे रहने देंगे। और ये देखिए इसमें हमने अभी भी पानी दिया है और सारा पानी आप देख रहे हैं ये नीचे चला गया है और कहीं भी पॉट में पानी का बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। तो हमें जब भी पॉट में अपने कोई भी प्लांट लगाएं तो इस तरह से मिट्टी बनाएं कि हमारी मिट्टी एकदम वेल रन रहे और पॉट में बिल्कुल भी पानी न ठहरे, फिर आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसे हम थोड़ा सा नहला देते हैं और आप भी इसी तरह से अपने प्लांट की केयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।